हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज मैं लेके आया हूँ आपको दिल्ली में। और दिल्ली में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल यहाँ पर लगा हुआ है 1 तारीख से 17 तारीख तक। और यहाँ पर ये जो लोकेशन है, मैं आपको बता दूँ, ये एक बाबा खड़क सिंह मार्ग पर पड़ती है कनॉट प्लेस के अंदर। और ये हैंडीक्राफ्ट भवन है और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एंट्री गेट वगैरह भी है। पीछे डिटेल में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर सारी डिटेल लिखी गई है। और यहाँ पर आप अगर मेट्रो से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पर शिवाजी स्टेडियम भी है और राजीव चौक भी है। अगर राजीव चौक से आप आना चाहते हैं तो गेट नंबर 7 से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, वहाँ से राइट लेंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको ये यहाँ पे इसका गेट दिख जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट के जो फूड हैं वो वहाँ पर हमें किस रेट में मिलने वाले हैं, और यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं वो कैसे हैं, उनका प्राइस कितना है, और यहाँ का जो फूड है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आइए मेरे साथ करते हैं इसको पूरा एक्सप्लोर। दोस्तों ये है इसका एंट्री गेट और ये देख सकते हैं 1 तारीख से 17 तारीख तक चलने वाला है। ये इसका एंट्री गेट है और बाकी की डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसकी जो लोकेशन है बाबा खड़क सिंह मार्ग है और ये यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट भवन के नाम से जाना जाता है। 1 तारीख से 17 तारीख तक यहाँ पर ये लगेगा और 11 बजे से रात के 10 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे आपको ये सरस गैलरी के नाम से एक स्टॉल दिखाई देगा, जहाँ पर कुछ आपको ये कुर्तीज़ वगैरह मिलेंगी। ये गर्म है, ये देखिए ये गर्म कुर्तीज़ हैं, तो ऐसी कलेक्शन भी यहाँ पे रखी गई है। और ये डेकोरेशन देख सकते हैं, रात होते ही लाइट यहाँ पर जल गई है। ये कश्मीरी स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं, देखिए। और यहाँ पर कुछ कपड़ों की कलेक्शन आपको मिलेगी। ये यहाँ पर सरस गैलरी के नाम से है और ये स्टॉल कुछ यहाँ पर कपड़ों के लगाए गए हैं, देखिए। और बीच में आपको दिखाई देगा कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। तो दोस्तों अंदर से मैं एक बार आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ कश्मीर के जो स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। ये 100% प्योर पश्मीना आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर कुछ क्वालिटी इस तरह की है डिज़ाइनिंग में। ये यहाँ पर एक ही लाइन से पूरी एक मार्केट सी यहाँ पर बना दी गई है, देखिए। यहाँ पर गर्म सूट भी है, इतनी प्यारी कलेक्शन आपको यहाँ मिलेगी कश्मीर की देखने के लिए। पूरी की पूरी जो मार्केट है ये यहाँ पर एक कश्मीर की अलग से बना दी गई है। 15-20 शॉप यहाँ पर हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और इसी के अंदर एक शॉप मिलेगी जिसमें आपको कालीन मिलेंगे अलग अलग, कारपेट अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डिज़ाइनिंग में। ये आप यहाँ से कॉन्टेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। ये छोटे साइज में भी हैं और बड़े में भी हैं। एक का प्राइस हम पूछ लेते हैं, साइज का प्राइस क्या है जो बड़े वाला है? हाँ, 2.5 लाख। ये 2.5 लाख का है और ये नीचे वाला 70,000 का है, ये 50,000 का ये वाला। थैंक यू। और इसी मार्केट के बाहर ही आपको दिखेगा सरस फूड फेस्टिवल 2023 लिखा हुआ है यहाँ पर। एक सेल्फी वॉल की तरह यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर लोग अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इस तरफ हमारा फूड का जो स्टॉल है वो शुरू हो जाते हैं, तो देखते हैं एक एक करके। और प्रॉपर बैठने के लिए स्पेस यहाँ टेबल लगाई गई है। तो ये पहले जो स्टॉल है यहाँ पर, ये है झारखंड का, ये देखिए। और पहले इनका प्राइस देख लेते हैं, ये देखिए ये प्राइस है इनका। सौ 150 रुपये कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। मैम क्या प्राइस है एक प्लेट का? एक प्लेट का 50 रुपीज़ है सर। 50 रुपीज़ इसका प्राइस है। और इसके अलावा कुछ, ये कुछ क्वालिटी है, मुझे नाम तो नहीं पता क्या है, आप यहाँ पर मेन्यू देख सकते हैं। ये कूपन वगैरह आपके यहाँ से लेने होंगे, फिर आपको एक बैंड मिलेगा। ये राजस्थानी स्टॉल है, ये देखिए कुछ ये जलेबी लड्डू और ये हलवा और ये घेवर, यहाँ पर घेवर अभी भी चल रहा है। तो ये कुछ कचौड़ी और ये पकौड़े, ये थाली के हिसाब से मिल रहा है या कुछ भी एक आइटम ले सकते हैं? ये क्या रेट है घेवर अभी? 150 पर केजी। अच्छा, एक पीस 150 का है, ओके। और इनका जो मेन्यू है मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर कुछ कचौड़ी और ये पकोड़े, ये थाली के हिसाब से मिल रहा है या कुछ भी एक आइटम ले सकते हैं? ये क्या रेट है घेवर अभी?
150 पर केजी। अच्छा एक पीस 150 का है। ओके और इनका जो मेन्यू है मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर, और ये गुजरात का स्टॉल, यहाँ पर कुछ इस तरह के आइटम यहाँ पर मिलेंगे। ये क्या चीज है? अरबी के पान से बना हुआ। अरबी के पान से बना हुआ है। अच्छा फ्राई पात्रा है। क्या प्राइस क्या है इनका? प्राइस 100 रुपीज, 5 पीस। अच्छा 5 पीस 100 रुपीज का है। अगला स्टॉल है केरला का, और केरला के मैं मेन्यू दिखाऊं, इनका प्राइस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। मसाला डोसा 150 रुपये, प्लेन डोसा 100 रुपये, और इसके अलावा नीचे देख सकते हैं आप पानी की बॉटल 10 रुपये, और स्पेशल मसाला डोसा 200 रुपये। और ये बनते हुए भी देख सकते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म। और राजस्थान के यहाँ पर कई स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे, आइटम बिल्कुल सेम है जो पहले मैंने दिखाया था, यहाँ पर बहुत अच्छे भी हैं। और इसके अलावा देखिए सिक्किम का स्टॉल है और मिजोरम का भी है, नॉर्थ ईस्ट के स्टॉल हैं दोनों। यहाँ सिक्किम का स्टॉल देख सकते हैं, ये चिकन मोमो 150 रुपये, और सेल ये वेज मोमो 100 रुपये, ऊपर आइटम कुछ समझ नहीं आया। और इसके अलावा मिजोरम का है, मिजोरम के स्टॉल पे जो फ्राइड नूडल्स है 150 रुपये, फ्राइड राइस 150 रुपये, ये सब 150, 200, 250 की रेंज में आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये चिल्ली चिकन देखिए यहाँ पर विद राइस, ये पैक कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों सरस्व जो फूड फेस्टिवल है यहाँ पर, एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि प्रॉपर साफ सफाई से यहाँ पर बैठने का भी इंतजाम होता है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है, ऑफलाइन भी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और एक स्टॉल ये है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्टॉल है, और मैं यहाँ का मेन्यू दिखाऊँ आपको। ये चिकन मोमोज यहाँ पर 200 रुपये है, चिकन पकौड़ा 10 पीस 150 रुपये, 5 पीस 100 रुपये, और बाकी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा सैंपल दिखा दूँ आपको, ये जो क्वालिटी है ये आप यहाँ पर खा सकते हैं। ये देखिए कुछ सैंपल यहाँ पर रखे हुए हैं। ओके ये गेहूं का लड्डू है, ये गेहूं का लड्डू है, ये खीर है हमारा। अच्छा ये तो खीर है, ये मोमो है। ओके ये देखिए कुछ सैंपल इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं जिससे ये चीज बनी हुई है, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है। और अब आ गए हैं उत्तराखंड के स्टॉल पे, यहाँ का मेन्यू भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये देखिए यहाँ पर लड्डू, ये रोल, और ये पपड़ी, गोलगप्पे वगैरह। और यहाँ पर फॉरनर भी आप घूमते हुए देख सकते हैं, अपने इंडिया में खाने का मजा लेने के लिए आए हुए हैं, और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसे यहाँ पर आपको दिखेंगे मिक्की माउस जैसे बने हुए। और ये देखिए आप यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं इनके साथ, ये हरियाणा के ताऊ हैं। और ये देखिए बच्चे काफी खुश होते हैं इनको देखने के लिए। बीच में एक स्टेज यहाँ पर बनाई गई है, बीच बीच में यहाँ पर देखिए एंटरटेनमेंट वगैरह भी होता रहता है, बैठने की काफी जगह यहाँ पर दी गई है, और स्क्रीन लगाई गई है बड़ी बड़ी, ये देखिए। और फूड के साथ साथ यहाँ पर एक सरस गैलरी नाम से स्टॉल हमने पहले भी देखा, और ये भी देख सकते हैं यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कपड़े भी हैं, और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ कप वगैरह के सेट है, कॉफी के मग हैं, और डेकोरेट करने के लिए भी कुछ आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और कपड़ों की जो क्वालिटी वैरायटी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की है। और ये एक अच्छी चीज देखी हमने यहाँ पर, जो वुडन की बनी हुई है ये सारी, तो वुडन के कुछ खिलौने हैं इस तरह के, और ये देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे खिलौने सारे वुडन के बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अशोक स्तंभ भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफी सारी क्वालिटी है, ये देखिए पीछे भी काफी रखी हुई है। ये उत्तर प्रदेश का देखिए मेन्यू यहाँ पर, लाइट कुछ ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा दूर से दिखाते हैं, देखिए रेट इनका और इनकी जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं यहाँ पर। ये इनकी क्वालिटी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये है उत्तर प्रदेश की खीर, और इसका तो प्राइस 100 रुपये प्राइस है ना, इसका 100 रुपये प्राइस है। और इसके अलावा देखिए ये जो क्वालिटी यहाँ पर, सारा मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया है, कुछ इस तरह की क्वालिटी यहाँ पर मिलने वाली है।
और सदस फूड फेस्टिवल को इसको जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है, जोन 1, 2, 3, 4, 5 में। यहाँ पर देख सकते हैं आप डायरेक्शन, काफी सारे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए। और आगे चलते हैं, और बैठने का प्रॉपर स्पेस यहाँ दिया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बिहार का एक स्टॉल, और यहाँ का जो मेन्यू है देखिए, ये चिकन लिट्टी और बिहारी स्पेशल टी लिट्टी चोखा 150 रुपये। और ये देख सकते हैं बिहार के स्टॉल पे आप मटन का मजा ले सकते हैं, मेन्यू मैंने दिखाई दिया आपको। अब ये महाराष्ट्र का स्टॉल है, और यहाँ का जो मेन्यू है ये देख सकते हैं यहाँ पर 150 रुपये, और टी वगैरह यहाँ पर 20 रुपये की है। महाराष्ट्र वेजिटेरियन थाली भी देख सकते हैं आप यहाँ पर 150 रुपये में। और ये देखिए ताज़ा ताज़ा बन रहा है यहाँ पर फ्रेश। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? मांडा। जो ये थाली है 150 रुपये वाली, उसमें क्या क्या चीजें हैं? ये 250 वाला। ये 250 वाला है, तो 150 रुपये की थाली में क्या क्या है? पहले इस पे लिखा हुआ ना 150 रुपये की थाली महाराष्ट्र स्पेशल। हाँ, तो उसमें है ना, आज नहीं बने मोदक क्या है, आम की रसी पातोड़ी बनती है, रोटी बनती है, चावल। अच्छा, वो आज बनानी है? नहीं, आज नहीं बना, आज सिर्फ मांडा और पाव है बस। थैंक यू। और आ गए हम जम्मू और कश्मीर, और ये देखिए यहाँ पर इनका, ये इनके मेन्यू कार्ड है। कुछ चीज़ें लोगों को पता नहीं है तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कावा एक बहुत फेमस चीज़ है वहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की, तो लोग पूछ पूछ के यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कश्मीरी कहवा 50 रुपये और नून चाय 50 रुपये। अब नून चाय क्या होती है पता नहीं है। और वेस्ट बंगाल के स्टॉल पर देखते हैं यहाँ का जो मेन्यू है, फिश फिंगर 3 पीस 150 रुपये, मटन करी 250 रुपये, चिकन करी 150 रुपये, कुछ इस तरह का इनका प्राइस है यहाँ पर, इनका हो गया पेमेंट। और ये देखिए वेस्ट बंगाल के स्टॉल पे ये कुछ इस तरह की क्वालिटी वैरायटी मिलेगी चिकन की। आपने किसी खाया? और स्टॉल नंबर 15 पे आ गए जो राजस्थान का है, और यहाँ पर भी सेम मेन्यू है, वही हलवा लड्डू पूरी वगैरह जो भी है, ये कचौड़ी जलेबी, और ये इनकी खीर है, पकौड़े वगैरह, और कुछ देख सकते हैं सब्जी वगैरह मिलेगी आपको। दो तीन स्टॉल यहाँ पर रिपीट हो रखे हैं राजस्थान के, दो तीन हमने देखे, उत्तर प्रदेश के भी देखे, मेन्यू बिल्कुल सेम है। और ये महाराष्ट्र का फिर से आ गया, ये देखिए देखते हैं स्पेशल क्या है। महाराष्ट्रीयन थाली और मल्टीग्रेन रोटी यहाँ पर मिलेगी, छह भाजी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और ये इनका मेन्यू पूरन पोली, पता नहीं क्या है पूरन पोली, थाली 200 रुपये। और ये देख सकते हैं रेट, तो मीठा होता है वो। अच्छा, ये पूरन पोली है, पराठा है सिंपल, पर मीठा है ये। ओके ओके, थैंक यू। दिखाइए, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का, ये बैंगन का भरता है, सेव सब्जी है। ओके, और क्या है? ये मैंने इनसे पूछा, ये महाराष्ट्र के जलगांव एरिया का है, और जो चीजें हमने देखी वो इन्होंने दिखाई, काफी अच्छी थी। और ये देखिए असम का स्टॉल यहाँ पर, और बीच बीच में आपको चार्ली चैपलिन भी मिलेंगे यहाँ पर कॉमेडी करते हुए, बच्चों को काफी पसंद आती है ये चीजें। और ये देखिए इसका असम का मेन्यू कार्ड, असम की 40 रुपये, सबकी चाय यहाँ पर अलग अलग है, इसीलिए 20, 40, 30 हर एक का रेट हमने देखा। शाम होते होते काफी भीड़ यहाँ पर हो गई है, ये देखिए लोग मतलब आते हैं दूर दूर से। अगर आपको हर स्टेट के खाने का मजा लेना है तो ये जगह बिल्कुल सही है आपके लिए। अगर हरियाणा में देखिए आपको मक्के की रोटी, सरसों का साग, पालक पनीर, ये कढ़ाई चावल, कढ़ी चावल सब, राजमा चावल ये मिलेंगे 150 रुपये, 200 रुपये, और इस तरह का इनका मेन्यू है।
और ये यहाँ पे चाउमीन बनते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में कुछ ये मक्के की रोटी बन रही है, तो देखिए मक्के की रोटी बनाई जा रही है पीछे। और ये पंजाब का स्टॉल और पंजाब का मेन्यू देखिए यहाँ पर। पालक पत्ता क्या दे दो, 100 रुपये भटूरे, 100 रुपये एक प्लेट, गुलाब जामुन 2 पीस 50 रुपये, तंदूरी रोटी विद शाही पनीर 100 रुपये, इस तरह का मेन्यू कार्ड है पंजाब का। और ये देखिए अंदर से दिखाऊं तो कुछ इस तरह की क्वालिटी है। और वहाँ पर गोलगप्पे वगैरह भी रखे हुए हैं पीछे। और ये छोले भटूरे भी हैं यहाँ पर, छोले कुलचे भी हैं। बीच में एक ये वॉल दिखाई देगी, सेल्फी वॉल नहीं है, यहाँ पर आप अपने रिव्यू लगा सकते हैं लिख के कि आपको कौन सा स्टॉल सबसे अच्छा लगा और इसमें क्या खास बात थी, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह की आप यहाँ पर पर्चियाँ लिख के लगा सकते हैं लोगों ने लगाई हुई है अपने रिव्यू। अब आ गए हैं दोस्तों जोन 5 जो लास्ट है यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। फिर से उत्तराखंड का स्टॉल, और यहाँ पर जो मेन्यू है देखिए लगभग सेम चीजें हैं और मेन्यू भी तो सेम है। ये क्या है, अनाज वगैरह डालते हैं, मिलेट वाला है। और ये है बाल मिठाई जो फेमस है उत्तराखंड की ना। और ये क्या है, ये है ये भी मिलेट के प्रोडक्ट है। बाल मिठाई 50 रुपीज का एक पीस, और केजी के अकॉर्डिंग कोई ले लो पीस के अकॉर्डिंग। और खीर 100 रुपीज का 1 बाउल। थैंक यू। और दोस्तों अब आ गया स्टॉल नंबर 7 जो केरला का है, और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट वाली चीजें ही आपको मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए इसका रेट देख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पर फ्रेश फ्रूट सारे यहाँ पर जो मेन्यू में थे वो सब यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये देखिए मिक्सर, और ये देखिए यहाँ पर, और ये देखिए आंध्र प्रदेश के स्टॉल पे आ गए हम। ये स्टॉल नंबर 6, थोड़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर, नॉन वेज की खुशबू भी आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर इनका जो मेन्यू है, ये चिकन वगैरह है, चिकन मटन, ये पूरा रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिश वगैरह सब मिलेगा आपको यहाँ पर। दोस्तों ये है तेलंगाना का स्टॉल, और यहाँ पर देखिए स्पेशल हैदराबादी दम बिरयानी लिखी गई है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये हैदराबादी दम बिरयानी यहाँ पर है 250 रुपये, और हैदराबादी दम मटन बिरयानी 350 रुपये, ये रेट है इनका। यहाँ पर देख सकते हैं मेन्यू, और यहाँ पर ये देख सकते हैं। मेन्यू कार्ड मैंने आपको दिखाई दिया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दम बिरयानी की जो क्वालिटी है, अभी प्लेट में डाल रहे तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गई है थाली तैयार, और इसमें चटनी वगैरह डाली जाएगी। तो पंजाब का पीछे भी देखा था हमने, यहाँ पर कुछ ये मेन्यू है, वहाँ पर सबसे पसंद था। यहाँ पर ये चिकन वगैरह है, करी, ये सब मिलेगी आपको यहाँ पर। और स्पेशल चीज़ें अलग से यहाँ पर लिख के लगाई गई है, देखिए चिकन नूडल्स, पंजाबी चिकन, चिकन बिरयानी, तंदूरी चिकन, चिली चिकन, एग रोल, और ये देखिए यहाँ पर। और महाराष्ट्र का स्टॉल नंबर 3, स्वादी चिकन 200 रुपये, स्वादी मटन 250 रुपये, और ये मेन्यू देख सकते हैं महाराष्ट्र का एक, और यहाँ पर कुछ अलग चीजें हैं। एक सेकंड, एक है सूखा चिकन, ये सूखा चिकन, एक ग्रेवी वाला, एक ग्रेवी वाला है। हाँ। ओके, आगे ये सूखा मटन, एक सेकंड, ये सूखा मटन है, ये सूखा मटन, और वो ग्रेवी वाला, ये ग्रेवी वाला है। हाँ, मटन है। ओके, ये चिकन कलेजी, चिकन कलेजी, कलेजी। ओके,
ये तो सिंपल राइस है ना? हाँ। नॉर्मल वाला होता है। हाँ। ओके थैंक यू। दोस्तों यहाँ पर हमने देखी महाराष्ट्र की जो चिकन वाली चीजें थी, मटन वाली थी, तो काफी अच्छी क्वालिटी लगी और मेन्यू मैंने एक बार दिखाई दिया आपको, दोबारा देख लीजिए यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आके मजा लेना चाहते हैं खाने का तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, स्टॉल नंबर 3। और स्टॉल नंबर 2 है कर्नाटका और स्टॉल नंबर 1 है ये केरला का। तो पहले हम ये कर्नाटका वाले पे देख लेते हैं क्या है। और इसका जो मेन्यू कार्ड है यहाँ पर, ये ओनियन डोसा 100 रुपये और सेट डोसा 100 रुपये, प्लेन डोसा 100 रुपये, ये इसका मेन्यू है। और देखते हैं डिशेज इनकी क्या है। ये सांभर है, ये सांभर है, वो सांभर, ये भटूरा, भटूरा, ओके। और आगे दिखाइए, इधर है भटूरा चिकन करी है, लेमन राइस, ये लेमन राइस है, लेमन राइस, ओके। और इधर मसाला डोसा और चटनी, मसाला डोसा का सब्जी है, मसाला डोसा की डोसा की चटनी है, डोसा की चटनी है, ओके। और रेड चटनी, चिली, रेड चिली चटनी है, भीड़ आ रही है, कुछ रेस्पॉन्स दे रहे हैं लोग? अभी कम है, अभी लोगों को थोड़ा पता भी नहीं है ना। वही अभी डोसा एकदम अच्छा चल रहा है, डोसा अच्छा चल रहा है, डोसा अच्छा। चलो अभी तो पता चलेगा, थोड़ा हम भी वीडियो वगैरह डालेंगे तो लोग थोड़ा सा आएंगे। डोसा, मसाला डोसा और सेट डोसा, प्लेन डोसा, चार डोसा डाल रहा हूँ। अच्छा, डोसा वैसे ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ के एरिया में ना, तो बहुत कल अलग मेनू आया, मेनू चेंज करोगे कल? तो हर दिन चेंज होता है ये मेनू भी रहता है, कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, दो तीन आइटम ऐड कर देंगे। ओके थैंक यू। और दोस्तों ये स्टॉल नंबर 1 केरला का, और यहाँ पर देखिए ये इनका जो मेन्यू है, मैं दिखा दूँ आपको, ये जो क्वालिटी है देखिए यहाँ पर, बनते हुए मैं दिखाऊं आपको। भाई देखिए गरमा गरम यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये सबसे फेमस क्या है आपके यहाँ पर केरला में, सबसे फेमस क्या है खाने में? मलबार, मलबार, केरला का मलबार। इसमें से कौन सा है मलबार में? मलबार जो, हाँ कौन सी है आइटम, कौन सी है वो? चटी पत्री, ये फिश बॉक्स है, चिकन रॉड, कटलेट, चिकन पत्री, बनाना फिलिंग, बनाना फिलिंग। तो सबसे ज्यादा पब्लिक क्या खा रही है यहाँ पर, क्या पसंद कर रहे हैं लोग? चिकन रोल, चटी पत्री, मलबार। अच्छा कच्ची पटरी, ये कच्ची पत्ती है, कच्ची पटरी है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, चिकन नहीं, नाम क्या है इसका, आपने कुछ नाम बोला, कच्ची चट्टी पत्री, चट्टी पत्री, ओके चट्टी पत्री इसका नाम है। थैंक यू। तो दोस्तों ये हमने देखा स्टॉल नंबर 1 केरला का, और यहाँ की जो नॉनवेज वाली चीजें थी काफी अच्छी थी। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आएं, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर टेस्ट लगेगा, और केरला वाले स्टॉल पे तो जरूर विजिट करें आप। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग गेट से एंट्री होती है और कुछ इस तरह से स्वागत वहाँ पर किया जाता है, ये देख सकते हैं आप, इसका एंट्री गेट दूसरा वाला। दोस्तों हमने घूमा पूरा जो सरस फूड फेस्टिवल था यहाँ पर, और काफ़ी सारे स्टॉल यहाँ पर देखे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी खाने की। तो आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ जरूर विजिट करें, आपको हर स्टेट का खाना यहाँ पर मिलेगा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में। तो ये जो मौका है यहाँ पर साल में एक बार मिलता है खाने का, तो अभी वीडियो और यहाँ पर जो खाने का मेन्यू था, उनका प्राइस था, जो यहाँ पर ये स्टॉल लगाए गए हैं, तो कैसे आपको लगे इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई लोकेशन पर फिर मिलूंगा आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।